जो लोग राम को बेचकर राम की राजनीति कर रहे हैं वो बंद कर दे। राम आस्था का केंद्र है। राम को अगर मनुष्यता के अनुसार समझा जाए तो राजा दशरथ ने लाया था। राम को लाने वाले ये लोग कहाँ से होंगे? आप किसकी सजा चाहते हैं भाई? इतने सारे लोगों के बीच में समाजवादी सरकार चाहने वाले एक जो है कि लोग मिले आज का। राम हमारे आराध्य है। राम का इंतजार तो हम लोग 550 वर्षों के कर रहे। हमारे रामलला जो टेंट में थे वो अपने घर में विराजमान। बेरोजगारी मुद्दा तो हर सरकार में रही है। किस सरकार में ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में बेरोजगार नहीं रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी तो अपना जगह है। राम मंदिर हिंदुत्व का एक प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं अंतिमा सिंह। स्वागत है आप सभी का सौर न्यूज इंडिया में। 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है और साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था अब कहीं न कहीं वह पूरा हो जा रहा है। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वह 22 जनवरी को उसका जो है कि दिन तारीख रखा गया था, अब वह समय नजदीक आ रहा है। उसके साथ साथ सन 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक आ रहा है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल के युवा किसे वोट देंगे? सन 2024 लोकसभा चुनाव में किसे अपना नेता बनाने वाले हैं? क्योंकि मुद्दा राम मंदिर, बेरोजगारी और क्राइम भ्रष्टाचार, ये सब तमाम मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, मगर जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या कहता है? काशी की धरती पर उतरे हैं और जानते हैं कि जनता का क्या मूड है, वह इस साल किसे जो है कि अपना नेता बनाती है और उनका मुद्दा क्या है और जनता के मन में क्या है, क्या राम मंदिर या फिर बेरोजगारी, आखिर किसे चुनती है? तो आइए जानते हैं काशी की जनता से कि वह क्या चाहती है, इस बार क्या सोचकर वह वोट डालेंगी और उनका मुद्दा क्या रहेगा। हाँ तो बताइए, आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम नीरज सिंह है जी। बताइए कि इस बार क्या सोचकर क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट देने को लेकर? बेरोजगारी का। बेरोजगारी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा जो कि अब राम मंदिर पूरा होने जा रहा है, जो सपना वर्षों से चला आ रहा है, इसे लेकर की क्या कहेंगे? ये तो पूरा हो ही रहा है। ये पूरा हो रहा है तो फिर अब बेरोजगारी पर वोट देंगे, ठीक है? किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी की। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो मैंडेट से आएगा और जब मैंडेट आएगा तो सरकार किसकी। क्या मुद्दा है, क्या मन में आपके चल रहा है इस बार, राम मंदिर या बेरोजगारी? जो लोग राम को बेचकर राम की राजनीति कर रहे हैं वो बंद कर दे। राम आस्था का केंद्र है। राम के नाम पे वोट मांगना कहीं से भी उचित नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आज भी जीवित हैं, उसका जो है निर्वहन सरकार करे। तो क्या चाहते हैं इस बार, किसे मतलब क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट देने के? 2024 में वोट देने वाले हैं तो क्या सोच के वोट देंगे, आपका मुद्दा क्या रहेगा? विशेषता बेरोजगारी है, भुखमरी है, अशिक्षा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को जिस तरह से जमींदोज करने की नीति चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश लेवल की बात हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालयों में संघ के इकाई के लोगों को डिप्यूट किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि इसका संघीकरण कर दिया जाए। क्या करते हैं आप? मैं तो छात्र भी हूँ वर्तमान में और इसके अलावा लेखनी का कार्य करता हूँ। लेखनी का? किस प्रकार का लेखन का? समाज और राजनीति से संबंधित जो भी विषय जो जनमानस के बीच होने चाहिए, जब वो नहीं उठते हैं तो कलमकार का यह कर्तव्य है कि कलमकार समाज के मुद्दों को समाज के बीच भेजने का कार्य करें अपने लेखन। मतलब कि आपका यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दे में रहेगी। भुखमरी है, बेरोजगारी है और शिक्षा का बाजारीकरण, यह भी एक मुद्दा होगा। लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर बनवा करके बीजेपी आएगी, मतलब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस पे क्या कहेंगे? राम को अगर मनुष्यता के अनुसार समझा जाए तो राजा दशरथ ने लाया था। राम को लाने वाले ये लोग कहाँ से होंगे? राम मंदिर बनवाने को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है और जितने भी सनातनी हैं, जो भी सनातन धर्म को मानने समझने वाले लोग हैं, वो इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं और हम भी इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री और शासन व्यवस्था का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ राम मंदिर बनाने का कार्य किया है, ये स्वागत योग्य है। आप बताइए, आपका अपना नाम बताइए। सचिन सिंह नाम है। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2024 के चुनाव में, राम मंदिर या बेरोजगारी?
राम मंदिर, बेरोजगारी दोनों। क्या आप सबसे ज्यादा किसे आप जो है कि मतलब तवज्जो देते हैं, राम मंदिर क्योंकि राम मंदिर को लेकर भाई इतने सारे लोगों के बीच में समाजवादी सरकार चाहने वाले एक जो है कि जो मिले आज का, आप जानते हैं कि वो क्या ऐसा खास देखे है समाजवादी, बताइए आप क्या खास देखे है? अरे बताइए, जैसे कि बीजेपी के ये लोग कहते हैं राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर के आए हैं, तो आप समाजवादी हैं, समाज में वो क्या फेक है? लो पूरा का पूरा फेक बता दिए बीजेपी क्यों अब आप बताइए फेक, आपने बोला आप बताइए उस कहाँ बताए राम मंदिर के लिए क्या कहेंगे? राम मंदिर उनका नहीं है ना, राम मंदिर भाई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर को वही बनवा रहे हैं। कौन बोल रहा है? वो अपने घर से बनवा रहे हैं, अपने घर से नहीं बनवा रहे राम मंदिर। तो अब बताइए कि जो राम मंदिर भगवान को लाएंगे इंसान भगवान के सुना क्यों? तो राम मंदिर ठीक है, मगर समाजवादी क्या किया, ये समाजवादी पार्टी क्या की? हमारे साथ यहाँ पे एक महिला भी मौजूद है और उनसे भी जानते हैं, वो एक तरीके से गृहिणी भी है, तो उनसे भी जानते हैं कि वो 2024 में किसकी जो है की सत्ता चाहती हैं और उनके मन में क्या इस बार है, क्या मुद्दा रहेगा, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मारिशा नाम। आप इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा, राम मंदिर या बेरोजगारी? देखिए राम मंदिर बन रहा है, इससे ज्यादा हिंदुओं के लिए और तो सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से हमारा देश गरीबता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए मेन मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। मतलब कुल मिलाकर जो बेरोजगारी का जो पॉइंट है, जो बेरोजगारी को लेकर बात चल रही है, उसमें ज्यादातर लोगों का मानना यही है, जो वोट होता है ना, कि वोट की संख्या बेरोजगारी पर ज्यादा है। आप गृहिणी है या फिर ये कह सकते हैं कि वर्किंग वुमेन है? मैं वर्किंग हूँ और गृहिणी दोनों हूँ। अच्छा, क्या करती हैं जॉब में? मैं यहाँ पे रियल स्टेट में ऑफिस में काम करती हूँ, रियल एस्टेट ऑफिस। तो मुद्दा आपका क्या रहेगा, बेरोजगारी? जी बिल्कुल, बेरोजगारी मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी की वजह से हमारे देश गरीबता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जब हमारे देश के युवा बेरोजगार रहेंगे तो समझ लीजिए कि आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते उस विषय में, तो बेरोजगारी मेन मुद्दा है। राम मंदिर बन रहा है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर बनने से हमारा गरीबों को खाना या फिर बेरोजगार को पैसा, इन सब चीजों को नहीं मिल सकता ना, तो बेरोजगारी मेन मुद्दा है। अच्छा, सरकार किसकी चाहती है? सपा की। सपा की, मतलब सपा में जो है कि बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब आइए और भी लोग हैं, बात करते हैं इनसे। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? नाम मनोज सिकरवार हुआ। क्या करते हैं आप? करते हैं आप बिजनेस करता हूं। राम मंदिर को लेकर के आप क्या कहेंगे? राम मंदिर लोग तो कह रहे हैं, राम मंदिर के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राम मंदिर आया है तो फिर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो आप उस विषय पे आपका क्या विचार है? राम हमारे आराध्य है, राम का इंतजार तो हम लोग 550 वर्षों से कर रहे थे और ये सरकार की बहुत अच्छी काम कहा जाएगा, अच्छी काम को बहुत ये सरकार ने किया है, उसमें से ये भी काम एक बहुत अच्छा काम कहा जाएगा और जो 550 वर्षों का इंतजार था वो खत्म होगा। हमारे रामलला जो टेंट में थे वो अपने घर में विराजमान होंगे, ये बहुत खुशी की बात है, पूरी सनातनियों के लिए खुशी की बात है। और मैं तो चाहूँगा कि इसका प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है बड़ा भव्य तरीके से हो, पूरा विश्व देखे इसे। तो मुद्दा क्या रहेगा 2024 में, राम मंदिर या बेरोजगारी, कुछ मुद्दा आपका क्या सोचकर आप वोट डालेंगे, कुछ तो अपने मन में होगा कि नहीं, क्या सोचे हैं, किस विषय पे आप वोट देंगे? बेरोजगारी की जहाँ तक आपकी प्रश्न है तो बेरोजगारी तो हर सरकार में रही है,
किस सरकार में बेरोजगारी नहीं रही है, आज के पहले जितनी सरकारें हमारे यहाँ थी क्या हमारे यहाँ से बेरोजगारी खत्म कर दी? अरे बेरोजगारी अपनी जगह है, बेरोजगार जो युवा योग्य हैं, जो योग्यता रखते हैं उन्हें रोजगार आज भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है अपने देश में, रोजगार बढ़ा है अपने देश में, और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा ये लोगों जिनको मुद्दा नहीं मिल रही है वो बेरोजगारी मुद्दा बना रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा तो हर सरकार में रही है। किस सरकार में ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में बेरोजगार नहीं रहे हैं लोग? मगर ज्यादातर लोगों का तो यही ओपिनियन है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को देखते हुए 2024 में वोट डालेंगे। कोई बेरोजगारी मुद्दा बनने नहीं जा रही है इस इलेक्शन में, आगामी इलेक्शन जो सरकार काम की है उसके ऊपर उसे वोट लोग देंगे। और हमारे समझ से ये सरकार जो काम की है और ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है, कई मायनों में बहुत अच्छी काम की है ये सरकार, इसलिए हमारे समझ से ये सरकार फिर से रिपीट करने जा रही है। तो बताइए मैडम, बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग कह रही हैं, अफसर कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा तो हर सरकार में आता है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, बेरोजगारी मेन मुद्दा है। मंदिर बन रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन उससे गरीबों को हम पैसे या खाना नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे ना। जब बेरोजगारी खत्म होगी तभी ये सारी चीजें दूर होंगी। बेरोजगारी तो सभी सर, आप बताइए कि किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार, महंगाई बेरोजगारी या फिर राम मंदिर? महंगाई बेरोजगारी तो अपने जगह है, राम मंदिर हिंदुत्व का एक प्रतीक है। बेरोजगारी कहें तो हर सरकार में रहती है, तो किसी के आने से न आने से बहुत महंगाई और बेरोजगारी हटेगी नहीं। युवा पढ़े लिखे छात्र जो है अपना रोजगार स्वयं चुन लेंगे, स्वयं नौकरी मिल जाएगी मेहनत के ऊपर। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा 2024 में, क्या सोच के वोट देंगे आप, मंदिर या फिर देश के नाम पे वोट देंगे? जो देश विकास करेगा उस नेता को वोट देंगे। मंदिर और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम, इन तमाम मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों में से आपको क्या लगता है पर्सनली? भ्रष्टाचार पे देंगे, देश हित में देंगे। राम मंदिर तो हिंदुत्व का एक प्रतीक है। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के लिए और बेरोजगारी के लिए सब पे बराबर के तौर पे एक तरीके से वोट है कि कोई कह रहा है राम मंदिर, कोई कह रहा है बेरोजगारी, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार। अब देखना यह है कि 2024 का जो चुनाव है वह किसके जो है कि सर पे उसका ताज सजता है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा 2024 में ये राम मंदिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि हिंदुत्व, मतलब कि एक हिंदू लोग के लिए कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी और हिंदू मुस्लिम का पार्टी कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब 2024 में लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर वोट देंगे। 2024 में 22 जनवरी सबसे नजदीक आ गया है, जिस दिन प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन रखा गया है वो काफी नजदीक आ गया है, और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का भी समय अब धीरे धीरे काफी नजदीक आ रहा है। मगर जहां काशी की जनता का मूड जाना, हमने लोगों से बात किया और यहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों में तो कई लोग ऐसे हैं जो यह चाह रहे थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए बेरोजगारी पर ही वोट डालेंगे, वही मुद्दा उनका मेन रहेगा। और एक दो लोग ऐसे थे जो कि राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे थे कि भैया जो राम मंदिर है तो कहीं ना कहीं सरकार में आए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये तो कोर्ट का मामला था। और ये और उसमें जो सपा के भी सपोर्टर जो है समर्थक मिले कि भाई समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया गया कि समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थक दिखाई दिए। मगर अब देखना यह होगा कि 2024 में जो 2024 में जीतता है आखिरकार वो कौन जीतता है वो तो वक्त बताएगा। मगर राम जो राम जी का जो एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का समय है उसे देखते हुए जनता के मूड हमने जाना और देखा कि आखिरकार किसकी जो कि सरकार आने वाली है। आपने सुना, देखते रहिए हमारे साथ 100 न्यूज इंडिया, अंतिमा सिंह, वाराणसी।